हाय एवरीवन, दिस इज़ अनम। वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा सेकंड लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग पटना यूनिवर्सिटी फॉर योर PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आप जैसे कि आप सभी को पता है, पटना यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। 28 जनवरी 2023 आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और आपका जो एग्जामिनेशन है ये 25 फेब है, यानी आपके पास 1.5 मंथ रिमेनिंग है प्रेपरेशन के लिए। तो जैसे कि मैं आप सभी को इसके पहले वाले भी लेक्चर्स में मैंने आपको इन डिटेल में बता चुकी हूँ आपका पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है। सो आपका जो पेपर वन होगा उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी एंड जर्नल एप्टीट्यूड से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिसर्च मेथडोलॉजी पर बेसिकली हम लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जर्नल एप्टीट्यूड पर भी लेक्चर्स देखने मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको जर्नल एप्टीट्यूड पर भी हम लेक्चर्स प्रोवाइड करें तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। उसी के साथ साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी पर जैसे कि हमने लेक्चर स्टार्ट कर चुका था, मीनिंग ऑफ रिसर्च हमने स्टडी कर लिया। तो आज के इस टॉपिक में हम रिसर्च के टू बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स जो कि है फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च, इस टॉपिक पर आज हम MCQs देखने जा रहे हैं। सो चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। सो MCQ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं हमारे प्रोडक्ट्स रिलेटेड। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आप सभी को पता है पेपर वन जो है आपका पटना यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जिस पर आपका बेस्ड होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जर्नल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जर्नल एप्टीट्यूड ये आपका पेपर वन पर बेस्ड होता है दोनों यूनिट्स, एंड इन पर बेस्ड आपको MCQs पूछा जाता है। 50 MCQs आपको पेपर वन से पूछा जाएगा, 400 मार्क्स। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, थियोरी प्लस MCQs दोनों आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे। देन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड रिविजन MCQs PDF। और ये सारी चीज़ें हम आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज यानी हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेजेस में हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं कि आपको प्रॉपर किस वे से स्टडी करना है और कितना टाइम आपको हर एक टॉपिक पर स्पेंड करना है। तो हम आपको अच्छे तरीके से थ्रू आउट हमारे कोर्स हम आपको प्रेपरेशन करवाते हैं कि किस तरीके से आपको टाइम टू टाइम सारे टॉपिक्स को रीड करना है। हम आपको गाइड करते रहते हैं कि आपको आपकी कौन सा स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको जस्ट हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो फॉलो करना है, और मैं आपको बता दूं कि आपको हम पासिंग गारंटी देते हैं, यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं हर एक स्टूडेंट्स को कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो आप याद रखिएगा, काफ़ी कम टाइम है आपके एग्जामिनेशन के लिए, 1 मंथ रिमेनिंग है। तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिए लिंक हमने आपको कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। तो आप वहां से भी आपके पेपर वन के यानी रिसर्च मेथडोलॉजी एंड जनरल एप्टीट्यूड के कोर्स को आप परचेस कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम MCQs की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। First question, DASH is a type of research approach that is aimed at gaining a better understanding of a subject or phenomena. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसका एम ये होता है कि कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई फेनोमेना को अंडरस्टैंड करे। सो हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जो कोई फेनोमेना को As it is, describe करे, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम कोई फेनोमेना कोई कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल रिसर्च। जैसे नेम में ही मीनिंग है हिस्ट्री, सो हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स और हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ स्टडी करते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके बारे में हम हिस्टोरिकल रिसर्च में स्टडी करते हैं। अगेन हिस्टोरिकल रिसर्च में हम कोई फेनोमेना को या फिर कोई कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, फंडामेंटल रिसर्च, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फंडामेंटल रिसर्च। सो फंडामेंटल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसका एम ये होता है कि कोई कॉन्सेप्ट और कोई फेनोमेना को हम अंडरस्टैंड करें। ओके, आप कैसे रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च को कैसे कॉन्सेप्ट और कोई भी फेनोमेना को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? बाय डेवलपिंग न्यू थ्योरीज, न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट। ये क्यों करते हैं रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च में? ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके और वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सके। इसलिए रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च में न्यू थ्योरीज, न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। सो रिमेंबर दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करते, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, बस
कोई न्यू थियोरीज और न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं ताकि उनका नॉलेज इंक्रीज हो सके और उनकी क्यूरियोसिटी को वो फुलफिल कर सके। अब फंडामेंटल रिसर्च में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पर रिसर्चर स्टडी करेंगे कि हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क, ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है, इस पर रिसर्चर स्टडी करेंगे। बस उनको अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का शेप क्या होता है, ये जानने के लिए कि रिसर्चर को जानना है। रिसर्चर यहाँ पर क्यूरियस होते हैं, उनको अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना होता है, इसलिए रिसर्चर फंडामेंटल रिसर्च यूज करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च का यूज कर कोई न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके और अपनी क्यूरियोसिटी को फिलफिल कर सके। और फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिसर्च रिफर्स टू साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्च दैट सीक्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसमें हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और यू कैन से कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, जैसा हमने अभी देखा, फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके और वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सके। बट फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, ना कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, या और यू कैन से कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे हमने देखा, फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थियोरीज, न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। सो उसी कॉन्सेप्ट और उसी नॉलेज को रिसर्चर अप्लाइड रिसर्च में, उस नॉलेज को रिसर्चर अप्लाइड रिसर्च में अप्लाई करते हैं, और उसी नॉलेज को अप्लाई कर कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, सो अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर फंडामेंटल रिसर्च में जो भी रिसर्चर ने थियोरीज, कॉन्सेप्ट, आइडियाज डेवलप किया था, उसी थियोरीज, उसी कॉन्सेप्ट का यूज कर उसी नॉलेज को यूज कर अप्लाइड रिसर्च में अप्लाई कर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम कैसी हो सकती है, जैसे हाउ टू डिक्रीज कोविड स्प्रेड। ओके, तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो रिसर्चर क्या करेंगे, इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी रिसर्चर ने फंडामेंटल रिसर्च में न्यू थियोरीज, न्यू आइडियाज डेवलप किया होगा, उस नॉलेज का, उस थियोरी का यूज करते हुए अप्लाई करेंगे अप्लाइड रिसर्च में, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और यू कैन से कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दैट्स व्हाई यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an example of applied research? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल गिवन है। ओके, अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, सर्चिंग हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन। सो दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका एक जर्नल स्टेटमेंट है। जर्नल स्टेटमेंट हम फंडामेंटल रिसर्च में स्टडी करते हैं। सो ये आपका फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल होगा या अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मैथमेटिकल थ्योरी। सो अगेन, जैसा हमने देखा था, फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं। जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर आपके लिए तीन वर्ड बहुत की वर्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थियोरीज को डेवलप करता है। अब यहाँ पर कौन सी थियोरी है, मैथमेटिकल थियोरी है। सो फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थियोरी डेवलप करता है ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके और वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सके। सो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको जो एग्जांपल गिवन है, ये आपका फंडामेंटल रिसर्च का एग्जांपल होगा, अप्लाइड रिसर्च का एग्जांपल नहीं होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, ट्रीटमेंट ऑफ क्योर ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीज। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च में हम कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम और यू कैन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आपको अप्लाइड रिसर्च रिलेटेड कोई एग्जाम्पल और कोई डेफिनेशन हो, तो उसमें आपको दो वर्ड याद रखने हैं, एक होता है स्पेसिफिक और दूसरा होता है प्रैक्टिकल
प्रॉब्लम। अगर आपके डेफिनेशन में या फिर आपके ऑप्शंस में प्रैक्टिकल वर्ड और या फिर स्पेसिफिक वर्ड गिवन होगा, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम और यू कैन से कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर हमें एक डिसीज को, और ये जो कि एक स्पेसिफिक डिसीज है, उसका ट्रीटमेंट रिसर्चर फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या गिवन है हमें। Which research project is an example of fundamental research? इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ examples given है और हमें find out करने हैं कि example कौन से research का example होगा। So अब हम options देखते हैं। Option A, control of dengue in Delhi. So यहाँ पर आपको given है कि दिल्ली में हम डेंगू को कैसे control करें। So ये एक problem है, okay? ये एक specific problem है। जब भी specific problem से related कोई word आता है या फिर यू कैन से कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, तो हम अप्लाइड रिसर्च में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फंडामेंटल रिसर्च में हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। देन ऑप्शन बी, इंक्रीज एजुकेशन अमंग चिल्ड्रन। सो यहाँ पर ऑप्शन बी में भी आपको एक प्रॉब्लम गिवेन है कि चिल्ड्रन में एजुकेशन लेवल को कैसे इंक्रीज किया जाएगा। अगेन ये भी एक स्पेसिफिक और यू कैन से एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। So, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम अप्लाइड रिसर्च में सॉल्व करते हैं, ना के फंडामेंटल रिसर्च में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी आपको गिवन है, हाउ ब्रेन सेल्स वर्क। सो यहाँ पर आपको बस ये जानना है कि ब्रेन के सेल्स कैसे वर्क करते हैं। आप क्या कर रहे हो, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करना चाह रहे हो। आपको देखना है, आपको जानना है कि ब्रेन के सेल्स कैसे वर्क करते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हमको इसका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है, बस हमको जानना है। तो जब हम कोई चीज को जानते हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, वो फंडामेंटल रिसर्च में आता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि फंडामेंटल रिसर्च को और हम क्या कहते हैं। जैसे कि हमको पता है फंडामेंटल, फंडामेंटल वर्ड का मीनिंग ही होता है कि बेसिक। तो फंडामेंटल रिसर्च को हम कहते हैं बेसिक रिसर्च, बिकॉज फंडामेंटल रिसर्च में हम हर एक चीज को बेसिक से जानते हैं, हर एक चीज को जानने की कोशिश करते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं हर एक चीज को फ्रॉम बेसिक। ओके, इसलिए फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च कहते हैं। देन आपको ऑप्शन ए गिवन है, प्योर रिसर्च। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज फंडामेंटल रिसर्च में हम न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज डेवलप करते हैं ताकि हमारी नॉलेज इंक्रीज हो सके। अब जैसा जो भी चीज न्यू होती है, जैसे हम न्यू थियोरीज, न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, जो भी चीज न्यू होती है वो प्योर होती है, इसलिए फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि फंडामेंटल रिसर्च के प्रिंसिपल्स हम किस रिसर्च में यूज करते हैं। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, कॉजल रिसर्च। कॉजल रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स देखते हैं बिटवीन दी वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। सो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि स्मोकिंग कैसे इफेक्ट कर रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है लंग्स को, स्मोकिंग का क्या कॉज हो रहा है लंग्स पर। सो उसे हम कहते हैं कॉजल रिसर्च। सो कॉजल रिसर्च में हम फंडामेंटल रिसर्च के कोई प्रिंसिपल्स का यूज नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च वो होती है जिसमें हम पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। सो यहाँ पर हिस्टोरिकल रिसर्च में भी हम कोई फंडामेंटल रिसर्च के प्रिंसिपल्स यूज नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अप्लाइड रिसर्च में हम फंडामेंटल रिसर्च के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। कैसे, जैसे हमने देखा था फंडामेंटल रिसर्च में हम न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज डेवलप करते हैं। इसी थियोरीज का, इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर हम अप्लाइड रिसर्च में उस थ्योरी को और उस नॉलेज को अप्लाई कर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो अप्लाइड रिसर्च में हम फंडामेंटल रिसर्च के प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल रिसर्च में जो भी हमने थ्योरी ली होंगी, जो भी हमने थ्योरी डेवलप करी है,
उसी थियोरीज को, उसी कॉन्सेप्ट को, उसी नॉलेज को यूज कर कर अप्लाइड रिसर्च में कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पर्पस ऑफ रिसर्च इज फॉर थ्योरी बिल्डिंग देन इट इज अ, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है किस रिसर्च का पर्पस होता है कि थ्योरी को बिल्ड करे, मीन्स थ्योरी डेवलप करे। तो हमें पता है कि फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडियाज को डेवलप करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फंडामेंटल रिसर्च। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम थ्योरी बिल्डिंग, थ्योरी को बिल्ड क्यों करते हैं, थ्योरी डेवलप क्यों करते हैं, थ्योरी बिल्ड करना क्यों रिसर्च में इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जब भी हम फंडामेंटल रिसर्च में न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज डेवलप करते हैं, सो उसी थ्योरीज का, उसी कॉन्सेप्ट का, उसी आइडियाज का यूज करते हुए, उसी नॉलेज का यूज करते हुए अप्लाइड रिसर्च में हम उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं ताकि कोई स्पेसिफिक या फिर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके। सो फंडामेंटल रिसर्च में हम थ्योरी डेवलप करते हैं एंड अप्लाइड रिसर्च में हम कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ना कि कोई थ्योरी को डेवलप नहीं करते। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल रिसर्च इज ड्रिवन बाय, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि फंडामेंटल रिसर्च का पर्पस क्या होता है और रिसर्चर फंडामेंटल रिसर्च क्यों परफॉर्म करते हैं। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहले हम देखेंगे ऑप्शन सी, इंटरेस्ट ऑन सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर का ये इंटेंशन नहीं होता कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे, बल्कि अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर का एम होता है कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, एनालाइजिंग पास्ट इवेंट्स। सो यहाँ पर आपके लिए पास्ट वर्ड कीवर्ड है, जब भी पास्ट वर्ड आएगा दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में रिसर्चर पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, सो यहाँ पर अगेन फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर कोई पास्ट इवेंट्स को एनालाइज नहीं करते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए आपको गिवन है, साइंटिस्ट क्यूरियोसिटी इन द साइंटिफिक क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज फंडामेंटल रिसर्च रिसर्चर इसीलिए करते हैं बिकॉज वो क्यूरियस रहते हैं, उनको अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करना होता है, अपने नॉलेज को इंक्रीज करना होता है, और वो साइंटिफिक क्वेश्चंस पर स्टडी करते हैं। जैसे ह्यूमन 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 का ब्रेन कैसे वर्क करता है, ह्यूमन ब्रेन के सेल्स कैसे वर्क करते हैं, Why Earth is round? Earth round क्यों है? So वो अपने knowledge को increase करने के लिए ऐसे type के scientific questions पर study करते हैं ताकि उनकी knowledge increase हो सके और वो अपनी curiosity को fulfill कर सके। That's why यहाँ पर आपका option A correct हो जाएगा, scientist curiosity in a scientific question. Okay? Next, which of the following are the characteristic of applied research? इस question में हमें applied research के कुछ कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, सिक्स टू फाइंड सॉल्यूशन टू इमीडिएट प्रॉब्लम्स एंड इशू। सो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर वर्ड आपको गिवन है इमीडिएट प्रॉब्लम्स एंड इशू। कौन से रिसर्च में हम इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं? इन एक्शन रिसर्च। सो एक्शन रिसर्च में रिसर्चर कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो एक्शन रिसर्च ये एक अप्लाइड रिसर्च की टाइप होती है। सो एक्शन रिसर्च में इमीडिएट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है, टीचर क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों को समझा रही है और वो कॉन्सेप्ट बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो टीचर क्या कर लेगी, अपना टीचिंग मेथड चेंज कर लेगी। तो टीचर ने यहाँ पर क्या किया, रिसर्च किया, एक्शन रिसर्च परफॉर्म किया और इमीडिएटली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया। सो ये भी अप्लाइड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, प्रॉब्लम्स टेंड टू बी मोर प्रैक्टिकल। ऐसी प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकल हो, तो जैसे हमने देखा था अप्लाइड रिसर्च में हम ऐसी ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो प्रैक्टिकल हो और जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर बेस्ड हो और जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो। सो अप्लाइड रिसर्च में हम कोई इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो कि एक एक्शन रिसर्च होती है, एंड अप्लाइड रिसर्च में हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और रियल लाइफ प्रॉब्लम पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर द फीचर्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक रिसर्च इज,
इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि बेसिक रिसर्च क्या होता है, बेसिक रिसर्च और यू कैन से प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है। ओके, अब हम पहले ऑप्शन बी देखेंगे, रिसर्च एम्ड एट स्टडिंग पास्ट इवेंट्स। सो ऐसे रिसर्च जिसका एम होता है कि पास्ट इवेंट्स को स्टडी करना, वो रिसर्च होती है आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में आप पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हो, जैसे इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। बेसिक रिसर्च में आप कोई पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी नहीं करते हो। देन ऑप्शन सी, रिसर्च एम्ड एट सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ऐसे रिसर्च जिसका एम ये होता है कि कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करे। सो ऐसी ऐसी रिसर्च होती है आपकी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का एम होता है कि कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और यू कैन से कोई रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम और कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। सो बेसिक रिसर्च में कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को और यू कैन से कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं करते। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन ए गिवन है, रिसर्च एम एट हेल्पिंग इंक्रीज नॉलेज। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी नॉलेज इंक्रीज हो सके। हम न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं ताकि हमारी नॉलेज इंक्रीज हो सके, हमारा नॉलेज, हम अपनी नॉलेज को एक्सपांड कर सके। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बेसिक रिसर्च इज रिसर्च एम्ड एट हेल्पिंग इंक्रीज नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक और प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च इज क्लियर टू एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।